नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, इससे पहले हमारी बात चल रही थी राज्य के जो सिद्धांत है उनके बारे में, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो जिसमें हमने देख लिया था हॉब्स और लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है। उसके बारे में पढ़ लिया था। आज इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे हॉब्स के बाद जे जे रूसो। पूरे नाम की बात करें तो जीन जैक्स और रूसो। 1712 से 1778 तक इनका समय रहा। 1712 में जन्म और 1778 में इनकी मृत्यु। अब देखो, ये फ्रांसीसी विचारक थे जे जे रूसो। तीनों ही समर्थक थे सामाजिक समझौता सिद्धांत के, हॉब्स, लॉक और रूसो। फ्रांसीसी विचारक था। एक वीडियो में हम देखेंगे इनका तीनों का कंपैरिजन में अध्ययन, तीनों का, जिससे क्या है तीनों एक साथ क्या चीजें क्लियर हो, क्योंकि तीनों जो चीजें बताते हैं जैसे मानव स्वभाव है, प्राकृतिक अवस्था है, वो तीनों की एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहां देखो, फ्रांसीसी विचारक था, इसकी एक मुख्य बुक थी, ये ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 1762 ईस्वी में देखो प्रकाशित हुई थी। 1762 में यहां प्रकाशित हुई, तो एक यहां देखो क्रांति हुई थी फ्रांस में, क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसको नाम 1789 फ्रांसीसी क्रांति 1789। देखो, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये किसके विचारों से प्रभावित थी, जे जे रूसो के विचारों से प्रभावित थी, यानी एक तरह से जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है इसके विचारों से क्या थी, ये प्रभावित थी। इस फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य नारा था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज जो तीन वर्ड है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा है वो, प्लस ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक, ये दोनों ये भी पूछ सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 की। तो ये तीनों चीजें, ये जो जनरल चीजें हैं ये थी। अब देखो, यहाँ फ्रांसीसी क्रांति किसके विचारों से हुई, जे जे रूसो के विचारों से। तो जे जे रूसो को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अब देखो, कौन सी क्रांति का जनक कहा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति का, लेकिन क्रांति यहां कौन सी हुई थी, जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आधुनिक जनतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका जो मार्ग प्रशस्त किया था वो किसने किया था, जे जे रूसो ने ही प्रशस्त किया था। मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन था, जे जे रूसो। तो अब देखो, यहां कौन सी क्रांति का समर्थक है, जनतांत्रिक व्यवस्था का, तो ये किस का समर्थक हो जाएगा, जे जे रूसो। जे जे रूसो हो जाएगा जनतांत्रिक विचारों का समर्थक। ये मुख्य मुख्य बातें आ गई जे जे रूसो की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, इसकी बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्लस ये जो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था, और फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की हुई थी वो किसके विचारों से प्रभावित थी, वो, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये प्लस ये प्लस ये तीनों चीज़ें किससे प्रभाव, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बारे में बात, अगर आगे बात करें हम, तो वो आती है सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में देखो, हर जो विचारक है हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों चार चीज़ें बताते हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था आती है, वो आती है कि मानव का स्वभाव। मानव स्वभाव की अगर बात करें तो जो रूसो है, रूसो मानव का स्वभाव क्या बताता है कि मनुष्य क्या है, निष्पापी था, एकदम निर्दोष था। निष्पापी और निर्दोष मतलब यह है कि उसमें छल कपट नहीं था, कुछ तो पापी नहीं रहेगा, पाप रहित। निष्पापी का मतलब क्या है, पाप रहित। निर्दोष
यानी भाई कोई दोष ही नहीं था, तो निर्दोष अपने आप ही हो गया, शांति से रहता था। अब यहाँ देखो मनुष्य का जो स्वभाव इसने बताया है रूसो ने, उसमें एक चीज़ और बताता है कि मनुष्य जो है वो यहाँ भावनाओं से ज़्यादा प्रभावित था, भावनाओं से प्रभावित था, किसके बजाय, तर्क के बजाय। अगर आप तर्क से उसको संतुष्ट करना चाहो तो उससे संतुष्ट नहीं होगा, बजाय किसकी, भावनाओं से वो क्या है ज़्यादा प्रभावित होता था। तो ये तो बात आ गई किसकी, मानव स्वभाव की। दूसरी बात आप हम करें यहाँ, वो आती है प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक। यहां देखो प्राकृतिक अवस्था में दो चीजें समाहित करता है, दो भागों में प्राकृतिक अवस्था बताता है मनुष्य की, दो भाग कर देता है इसमें, जिसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो ये आता है कि मनुष्य है जो स्टार्टिंग में क्या था, शांति प्रेमी था, देखो यहां पाप रहित था, शांति के साथ रहता था, तो सब में क्या थी, समानता स्वतंत्रता की भावना थी, समान थे सब, स्वतंत्र थे, लोगों में कोई छल कपट नहीं था। यानी यहाँ प्राकृतिक अवस्था में जो एक चीज ध्यान में रखना, मनुष्य को यहाँ जो किसकी संज्ञा देता है, ये रूसो उदात वंचर की संज्ञा देता है, ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसकी संज्ञा देता है जे रूसो, जो प्रकृति में रहने वाला मनुष्य था वो था उदात वंचर। यहाँ का जो मनुष्य था, जो पहली अवस्था, दो अवस्थाएं बता रहा है यहाँ जे रूसो, तो पहली अवस्था का जो मनुष्य था वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अपना काम शांति से करते जाओ और दूसरों के मामलों में अड़ंगा ना डालो। ये मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है, स्टार्टिंग की थी। आज का मनुष्य वो तो क्या है, खुद का काम तो करो और दूसरे के काम में क्या है, अड़ंगा लगाओ, यानी दूसरों के सुख से ज़्यादा क्या है वो दुखी है आज का मनुष्य। और यहाँ का जो उदात वंचर का जो मनुष्य बता रहा है वो क्या बता रहा है कि खुद का काम करो और दूसरे के काम में कम से कम अड़ंगा लगाओ। ये चीज़ होगी, तो इसी चीज़ के ऊपर जो पहली अवस्था है इसी से संबंधित, देखो जे रूसो ने एक नारा दिया था इसी समय, प्रकृति की ओर लौटो, उदात वंचर, और एक नारा था प्रकृति की ओर लौटो। ध्यान रखना एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, प्रकृति की ओर लौटो। तो ये तो आगे पहली अवस्था की बात, अब यहां बात करते हैं कि दूसरी अवस्था। तो एक्चुअल में देखो दूसरी अवस्था आई क्यों, मेन तो मुद्दा यहां ये है कि दूसरी अवस्था, यहां रह रहा था शांति से, दूसरी अवस्था आने का देखो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो ये था यहां कि संपत्ति का उदय हो गया था। और जैसे ही संपत्ति का उदय हुआ क्या हो गया, मनुष्य में हिंसा की भावना आ गई, हिंसा, लड़ाई, स्वार्थी हो गया वो, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के चक्कर में पड़ गया। तो ये चीजें दोनों हो गई, देखो मानव स्वभाव हो गया, प्राकृतिक अवस्था हो गई। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो यहां आती है, जो मनुष्य ने आपस में समझौते किए उसके कारण क्या थे। तीसरी चीज ये आती है कि समझौते के कारण क्या थे। यहां समझौता, देखो संपत्ति का उदय हो गया, मनुष्य यहां शांति से रह रहा था, तो यहां इसने नारा दिया प्रकृति की ओर लौटो, और यहां जब संपत्ति का उदय हुआ तो इसकी आलोचना करते हुए देखो जो रूसो है वो क्या कहता है कि मनुष्य पैदा तो देखो यहाँ क्या हुआ था, स्वतंत्र ही हुआ था, लेकिन समाज ने क्या है उसको सर्वत्र जंजीरों में जकड़ रखा है। ये पिछली एग्जाम में क्वेश्चन भी था ये फर्स्ट ग्रेड में, कि ये कथन किसका है कि मनुष्य पैदा स्वतंत्र हुआ है लेकिन समाज ने उसको क्या सर्वत्र जंजीरों में जकड़ रखा है, तो जे रूसो का ये कथन था। और जो संपत्ति का उदय हुआ था इसके ऊपर इसने ये क्या किया था, कटाक्ष किया था। और ये प्रकृति की ओर लौटो ये क्या है, जब स्टार्टिंग की अवस्था थी उसके ऊपर ही इसने बताया था, इसकी दी थी। तो दोनों अवस्थाओं की परिभाषा हो गई, पहला कि ये नारा था प्रकृति की ओर लौटो, और दूसरे में ये कहता है कि जो मनुष्य है वो क्या है स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन समाज ने उसको क्या सर्वत्र जंजीरों में जकड़ रखा है। अब इसके बाद बात आती है तीसरी चीज की, समझौते का कारण। अब समझौते का कारण ऑटोमेटिक यहीं छिपा हुआ है कि संपत्ति जब ऊपर आ गई, संपत्ति ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ गई, ज्यादा महत्व में आ गई, तो समझौता अपने आप ही होना है। लोगों में ये भावना आ गई कि भाई मेरी संपत्ति कोई दूसरा छीन लेगा, लूट लेगा,
तो यहाँ समझौते का मेन कारण क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं कि लोगों में क्या जो ईर्ष्या की भावना आई, हिंसा की भावना, लड़ाई की भावना आई, उसके कारण क्या समझौता इनको करना पड़ा। फिर चौथी चीज आती है, वो आती है समझौते का स्वरूप। यहां देखो समझौते का स्वरूप कैसा है, यहां समझौते का स्वरूप ऐसा है, जैसे इसने क्या बताया कि व्यक्ति थे, यहां से देख लेते हैं ये सब व्यक्ति है, ये अपने अधिकारों को किसको समर्पित कर रहे हैं, यहां ये चीज ध्यान में रखनी है, ये अधिकार किसको समर्पित कर रहे हैं, समाज को समर्पित कर रहे हैं। अब मनुष्य देखो अपने अधिकार समाज को समर्पित कर दिए, लेकिन मनुष्य तो क्या है सामाजिक प्राणी है, इसलिए वापस भी क्या है ये अधिकारों को क्या है वापस प्राप्त कर लेता है, यानी व्यक्तिगत रूप से तो देता है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से देता है और सामूहिक रूप से क्या है वापस प्राप्त करता है, दोनों चीजें हो गई। व्यक्तिगत रूप से इसने समाज के साथ समझौता किया, यहां ये ध्यान रखने की शासक के साथ समझौता नहीं किया था, समाज के साथ किया था, व्यक्तिगत रूप से दिया और सामूहिक रूप से क्या है वापस अधिकार प्राप्त कर लिए। तो ये था समझौते का स्वरूप। अब देखो यहां एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, सारे व्यक्ति हैं वो मिलकर समझौता कर रहे हैं, समझौता करेंगे तो उससे एक चीज सामने निकल कर आएगी, वो क्या आएगी सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा का सिद्धांत पूछा जा सकता है एग्जाम में, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो जे रूसो का दिया हुआ है। सामान्य इच्छा देखो कैसे आई, यहाँ इच्छाओं को देखो दो प्रकार से डिवाइड करता है, एक तो आदर्श इच्छा और एक यथार्थ इच्छा, थोड़ा इनको देख लेते हैं, आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा क्या। आदर्श का मतलब है जो पूरे समाज के लिए भलाई हो, कल्याणकारी हो, वो है आदर्श इच्छा। और यथार्थ इच्छा क्या है, व्यक्ति की इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत अगर किसी चीज का जो स्वार्थ है, जो इच्छा है, वो है यथार्थ इच्छा। तो दोनों चीजें हो गई। अब देखो ये इच्छा निकल कर कैसे आती है, सारे मनुष्य इकट्ठे होकर समझौता कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी अपना इच्छा बताएंगे, कोई ऐसा नियम चाहेंगे, ऐसी कोई योजना चाहेंगे जिससे क्या है संपूर्ण समाज का क्या हो रहा होगा, भला हो रहा होगा। तो ये इससे क्या, जब व्यक्तियों ने समझौता किया, समझौते के फलस्वरूप क्या है सामान्य इच्छा निकल कर सामने आई। अब ये सारी चीज़ें हो गई जे रूसो की, उसका समझौता, उसका स्वरूप किस प्रकार का था। अब यहाँ देखो थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं इसमें, तो मुख्य मुख्य बातें वो हमने इंक्लूड कर ली है, अब कुछ देख लेते हैं इसकी आलोचनाएँ और कुछ देख लेते हैं इसके कुछ इसकी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं और फिर आलोचनाएं। आलोचनाएं देखो इन्हीं में समाहित है जो हमने बात करी है और विशेषताएं भी इन्हीं में समाहित है जो हमने अभी बात करी है। तो विशेषता देखो एक तो क्या हो गई, यहाँ व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से समाज को अधिकार देता है और सामूहिक रूप से क्या कर लेता है वापस प्राप्त कर लेता है। तो एक तो विशेषता ये हो गई कि व्यक्तिगत रूप से समाज को अधिकार देता है और सामूहिक रूप से क्या प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज आती है यहां सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता को हम ऐसे कह सकते हैं, जो यहां स्टार्टिंग की अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था, उसमें समानता और स्वतंत्रता थी, लास्ट में क्या हुआ जब सेकंड स्टेज आ गई जो संपत्ति का अध्ययन, तो ये अवस्था क्या धीरे धीरे खत्म होने लग गई। तो जैसे ही इसने समाज के साथ समझौता किया तो जो स्वतंत्रता है वो वापस क्या हो गई सकारात्मक। देखो दो प्रकार के टाइप्स हैं इसके, नकारात्मक और सकारात्मक, यानी बंधनों का अभाव, बिना किसी बंधनों का अभाव वो है नकारात्मक, और विशेष यानी बंधन रहित है वो तो है नकारात्मक, और बंधन सहित स्वतंत्रता है वो है सकारात्मक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता यहाँ मनुष्य को क्या हो जाती है प्रदान हो जाती है। तीसरी चीज आती है कि सामान्य इच्छा निकल कर आती है, ये हमने देख लिया। चौथी चीज क्या है, अगर सरकार निरंकुश हो जाए यहां तो सरकार को क्या है हटाया भी जा सकता है। हटाया क्यों जा सकता है, यहां समझौता किसके साथ हुआ है समाज के साथ हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या आ गई उसकी विशेषताएं और इसी में क्या है उसकी आलोचनाएं समाहित है। आलोचनाएं देखो एक तो यहां समाहित है कि उदात वंचर जो बताता है
यहाँ उदात्त वंचर बता रहा है कि मनुष्य इस प्रकार का था, एकदम आदर्श वंचर। तो आदर्श वंचर तो कभी रहा ही नहीं, मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम। तो ये चीज़ है। एक दूसरी चीज़ यहाँ इसने दी कि प्रकृति की ओर लौटो। भाई मनुष्य का स्वभाव है आगे की ओर बढ़ते रहना, कि कदम कदम बढ़ाए जा, बढ़ने के ऊपर ही क्या है, आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं पीछे चला जाऊँ। बातें कही आती हैं जैसे बचपन की, और बचपन सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन जो ये जो चीज़ बता रहा है कि प्रकृति की जो पुरानी अवस्था है उसके ऊपर वापस चले जाओ, तो ये क्या है, संभव नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि मनुष्य ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो, और वापस पीछे के समय जाएंगे तो जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एक इसकी भी क्या है आलोचना हुई थी, यानी ज़्यादा अतीत के ऊपर ये ज़्यादा जोर दे रहा था। अतीत प्रेमी था, प्राकृतिक अवस्था थी जो उदात्त वंचर वाली, उसकी जो चित्रण है इसने क्या किया है, गलत किया है। तो ये सारी चीज़ें थी, कई इसकी आलोचनाएं भी हुई। एक चीज़ ये भी आती है यहाँ की, समाज तो था ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन फिर भी क्या है समाज बता रहा है, समाज का इसने कहीं जिक्र नहीं किया कि समाज बन गया था, सीधा ही क्या बोल रहा व्यक्ति क्या समाज के साथ समझौता कर लेता है, भाई समाज था कहाँ, वो चीज़ तो बता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसकी आलोचनाओं भी होती है, लेकिन कुछ भी को आलोचनाएं विशेषताएं हर प्रकार में आती है, लेकिन इसकी जो देन है वो ये है मुख्य देन 1789 समानता स्वतंत्रता, इसी के विचारों से क्या थी प्रभावित थी फ्रांसीसी क्रांति। और ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, जो हॉब्स लॉक रूसो तीनों का आप एक बार देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकासवादी सिद्धांत, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका तुलनात्मक जो सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जो लेटेस्ट राजनीति विज्ञान है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।